जलंधर में गोली चलाना तो जैसे एक आम बात हो गई है। दरअसल देर शाम जलंधर के रविदास चौक के पास नजदीक पड़ती रमेश्वर कॉलोनी में एक मामूली से झगड़े के बाद एक युवक ने गोली चला दी, जिसमें राजकुमार नामक एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद लोगों ने घायल राजकुमार को जलंधर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस वारदात की सूचना मिलते पुलिस के सीनियर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP सुडरविली ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ युवकों ने एक युवक पर फायरिंग की है। इसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। ऐसी दाने लेने जैसे मैं अपनी खा रही दाने लेने भी मिलते हैं डिपो वाले, ठीक है। वो मुंडा गड्डी लेके उतो आया, किसी की खड़े सी हैं वो अगे पीट होंगी। अच्छा, वो मुंडे ने 3 बजे तो वहाँ 4 बजे गड्डी बच्चों का डिपो भेज दे दी। अच्छा जी, ठीक। मैं वो गड्डी में हाथ ला दिता, उतरिया उतर नाल ही मैंने गाला कटी, मेरे ठप्पड़ मारते 2 दिन। अच्छा जी, ठीक। उस तो बाद मैं अपनी घर वाल छड के फिर मैं चला लैन के अपने दाने तो अपनी कोठी अगे खड़ा सी। अच्छा जी, अपने सिखों का सुन लिया गाँव से खड़े से उन्हें मैंने हाथ मारिया इन्हें इधर आ, मैं क्या मैं नहीं आना है, मैं नहीं आना, मैं नहीं गया उतन। अच्छा जी, मैंने मैं सुन लिया काम मेरे मेरे खबर इस पा रहे मुंडा है कौन भाजी उसे लगे कोठी ले जाओ। की नाम मुंडे का? मैंने नहीं पता भाई। जिसे लड़ाई हुई सामने रहा? नहीं, वो अपनी कोठी है। अच्छा, कोठी वो अपनी है। दविंदर है भाजी, तो भाजी ना अपना बड़ा भरा ही है, वो शॉप पर काम करता भाजी, तो भाजी एक दाने लैन आए हैं बादल सरकार वाले जो पता नहीं पंजाब सरकार वाले हो जी स्कीम वाले, तो इन्हों की भाजी गली ना दाने कितने मिल रहे हैं, तो वो इतने आए तो उन्होंने दाने दे लंघन लिया होना अपनी जीप लैके, 2-3 बार धुआं छड़िया उन्हें जान जान के, तो वो पता नहीं कुछ नहीं इतना बहस बूस हो गई भाजी उतरते उन्हें पहला थप्पड़ मारते उन्हें भाजी, वो दोबारा भाई मैं आप आए गली महल चो मुंडे होर भी आए उन्हें भाई पूछा कि थप्पड़ मारन की वजह भाजी की है ना तुम इधर का गड्डी दे नैशनल अपना बंद है कि भाई थप्पड़ मारना तो नहीं कोई बंद है ना, तो भाई आए तो वो दोबारा गल कर रहे हो भाई फिर हाथ मुक्की हो गए भाई इन्ने चो उन्हें गोली चलाई तो वे बट्टा बुट्टा मारिया उन्हें पिस्तौल दिया भाजी मार के तो अपने भाई कर भाजी किन्ने फायर हुए टोटल भाजी 2 या शायद 1 तो भाई वो खह के गया ना भाई तो बाकी पता नहीं भाजी गड्डी जी किन्ने जने भाई भाजी 3 जने से भाजी भाई जेडे मुंडे गोली लगी है की नाम है वह भाई राजकुमार ना भाई 2 नंबर गली च रहा वो भी दाने लैन आया सी। हाँ जी भाई उही दाने लैन आया सी भाई। गोली किन्ने चलाई? गोली भाजी शंकर दास संस वाले का छोटा मुंडा भाजी उन्हों का। हाँ जीप उन्हों की है सर? हाँ जी जीप उन्हों की है भाजी। तुहाडा की नाम है? मेरा भाजी नाम दविंदर कुमार है भाजी। मौके पे पहुंचे हैं, हमें अभी ये पता चला कि 2 पार्टी के बीच झगड़ा हुआ है, उसमें जो मुलाजिम पार्टी है जो अक्यूज्ड है वो दोनों बाइक दो बंदे बता रहे हैं जिसने हवाई फायरिंग किया और वो बंदे के ऊपर फायरिंग भी किया, जो जिसके ऊपर फायरिंग हुआ वो बंदा अभी हॉस्पिटल दाखिल है, हम अभी FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। 307 में FIR दर्ज करें। मैं कितने फायर है टोटल? हाँ जी टोटल कितने फायर हुए हैं? टोटल अभी तो हमें यही पता चला कि जो जिस बंदे अनफिट है अभी वो फिट होने के बाद हमें पूरा मामला सामने आया। घर से क्या बरामद हुआ? हाँ जी अभी तक कार्रवाई चल रही है। मैं उसका रिवॉल्वर लाइसेंस अभी भागे हुए हैं दोनों फरार हैं। रिवॉल्वर लाइसेंस है जी? हाँ जी चेक कर रहे हैं जी, सारा चीज चेक कर रहे हैं अभी FIR रजिस्टर करके, बाकी सारा चीज इनका रिवॉल्वर है या क्या चीज है, इनका लाइसेंस है या नहीं, कब लाइसेंस बना, ये सारा चीज अभी चेक कर रहे हैं। मैडम जिसने गोली चलाई है उसका क्या नाम है? हाँ जी जिसने गोली चलाई है उसका क्या नाम है? अभी 2 बंदे का आइडेंटिटी हुआ जी इस घर में, एक राजीव है इनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा गिरीश है, बाकी इसने जो हमारे जिसके ऊपर गोली चली है वो अभी तक अनफिट है, जब वो ज्ञान देंगे फिर मामला सारे ही सामने।